नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित जॉब्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जॉब्स अपडेट यहां पे लेके आ चुका हूं। सो गाइस, आज की नई जॉब्स अपडेट कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी सामने निकल के आई है। सो गाइस, आप जो भी इसमें जो अप्लाई करना चाहता है तो गाइस वो आसानी से इसमें अप्लाई कर सकता है। सो गाइस, इसमें आपको मैं योग्यता बता दूं तो गाइस योग्यता इन्होंने काफ़ी हद तक ग्रेजुएट मांगा गया है। सो गाइस, यहां पर यदि वैकेंसी में स्थान बताऊं तो गाइस यहां पर यूपी के समस्त जिलों में यह वैकेंसी सामने निकल के आई है। सो गाइस, आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गाइस वीडियो यदि आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको कुछ इसमें समझ में भी नहीं आएगा। यदि आप वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो इसमें सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सो गाइस, मैं आज इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे इसमें हम अप्लाई करेंगे, क्या कैसे इसमें योग्यता रहने वाली, अनुभव की ज़रूरत है या नहीं है, इसमें मैं पूरा प्रोसेस आपके लिए इसमें बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ नई जॉब्स अपडेट यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। गाइस, यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो फाइनली गाइस, मैं आपको फिर से बता देता हूँ गाइस, ये वैकेंसी जो वैकेंसी निकल के सामने आई गाइस, ये न्यू वैकेंसी न्यू जॉब्स अपडेट आया गाइस, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकल के आई गाइस। मैं आपको जो गाइस इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए जो टेंडर मिला है गाइस, जिस कंपनी का नाम मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर लिखा है अकाल इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड गाइस, इस कंपनी को इस जॉब को पूरा करने का टेंडर यहाँ पर मिला है गाइस। यहाँ पर आप पदनाम भी यहाँ पर देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर सीधा लिखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, विभाग का नाम भी देख सकते हो गाइस, अभी योजन विभाग में वैकेंसी सामने आई है। सो आप इतना समझ में आ ही गया होगा तो गाइस आप मैं आपको आगे बता दूं तो गाइस यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि रिक्ति यह मतलब पोस्ट कब की गई, तो गाइस यहाँ पे अब न्यू पोस्ट है, 23/1/2023 में रिक्ति पोस्ट की गई। गाइस यहाँ मैं अंतिम तिथि बता दूं कि आप यहाँ पे कब तक आवेदन कर सकते, तो गाइस यहाँ पे देख सकते 31/1/2023 तक यहाँ पे आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे कुल रिक्तियाँ भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते, तो गाइस काफ़ी अच्छी ही रिक्तियाँ इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं, 77 रिक्तियाँ यहाँ पे इन्होंने रखी हैं, 77 यहाँ पे रिक्तियाँ, बहुत ही अच्छी रिक्तियाँ यहाँ पे सामने आई हैं। सो गाइस यहाँ पे आसानी से आप इसको देख सकते हैं, और मैं आपको आगे बता दूं गाइस, तो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि इसमें शिक्षा का क्या, कितनी कितनी शिक्षा यहाँ पे इन्होंने रखी है। तो गाइस यहाँ पे शिक्षा देख सकते हैं, शिक्षा इन्होंने काफ़ी ही उच्च लेवल की शिक्षा मांगी गई है। लेकिन गाइस आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो देखिए यहाँ पे आप गाइस यहाँ पे इनको हाई स्कूल इंटरमीडिएट भी चाहिए और यहाँ पे ग्रेजुएशन भी चाहिए, जिसके पास ग्रेजुएशन हो वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन के साथ गाइस यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर कंपिटेंसी रखा है, गाइस यहाँ पे कंप्यूटर कंपिटेंसी रखा है, कंप्यूटर आप कोई भी हो, कंप्यूटर जैसे जैसे कंप्यूटर में होता है CCC ओ लेवल ADCA DCA मतलब कुछ भी हो गाइस, आल सब्जेक्ट या डिप्लोमा किसी भी जैसे कंप्यूटर रिलेटेड IT सेक्रेटरी कोई भी हो गाइस, आपके पास मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए या एक सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइस। अब यह आपको मैं प्रकृति बता दूं गाइस, थर्ड पार्टी जॉब है, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो गाइस। मैं आपको यहाँ पे कार्य का वितरण भी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, इंटरमीडिएट एवं CCC ओ लेवल प्रमाण वारिता हिंदी अंग्रेजी मंगला फाउंट में टंगस्ट का कार एक्सेल पावर पॉइंट गूगल सीट एक कार ईमेल इंटरनेट से संबंधित तकनीकी कार्यों का ज्ञान एवं वर्ष का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये ध्यान रखिए एक वर्ष का अनुभव उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। डाटा एंट्री ऑपरेटर को ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल ICJS का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे आसानी से इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आवेदन कौन कौन कर सकता है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक कोई भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है, जिसके पास यह योग्यता है वो अपने यहाँ पे आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो आप यहाँ पे और नीचे चले जाना है गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी मतलब यहाँ पे वेतन रखी, तो गाइस वेतन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेतन आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं 10,000 से 20,000 इन्होंने प्रतिमाह वेतन रखा है। लेकिन गाइस आपको पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपको जॉब अप्रूवल के बाद आपको 16,102 रुपये ही देखने को मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखिए। आपको मैं आयु की बात बता दूं तो गाइस यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि आयु यहाँ पे 18 वर्ष मांगी गई है न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु यहाँ पे गाइस देख सकते 45 वर्ष, यहाँ पे इन्होंने अधिकतम आयु 45 वर्ष ही यहाँ पे मांगी है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। आपको यहाँ पे अनुभव की बात बता दूं तो गाइस इन्होंने यहाँ पे अनुभव बहुत ही अच्छा खासा अनुभव मांगा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ष का अनुभव इन्होंने मांगा है IT सॉफ्टवेयर सर्विस, आपके पास या आपकी प्रोफाइल में अनुभव ऐड होना चाहिए या तभी आपकी प्रोफाइल पर शो होगी वैकेंसी गाइस, जरूर ध्यान रखिए। यदि आपकी ID प्रोफाइल पे अनुभव फीड या मतलब सेट नहीं है तो गाइस यहाँ पे आपको वैकेंसी दिखेगी नहीं, बिल्कुल भी इसके लिए परेशान मत होइए गाइस, यहाँ पे एक वर्ष का अनुभव यहाँ पे होना ही चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है।
और नीचे देखे थे गाइस तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्यस्थल कहाँ पर रहने वाला, तो कार्यस्थल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब समस्त समस्त जिलों के लिए वैकेंसी है गाइस। आप किसी भी जिला से, किसी भी जिले में, मतलब जिस जो जिला में आप, जिस जिला से आप अप्लाई करोगे गाइस उसी जिला में आपको एक काम देखने को मिल जाएगा। अन्य वितरण में गाइस मैंने आपको वहाँ पर ऊपर भी बता दिया था, वही यहाँ पर भी इन्होंने रखा है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं आपको हिंदी अंग्रेजी में, मतलब यहाँ पर कार आना चाहिए गाइस करना, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य तो बताओ सेम ही है गाइस। तो आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, गूगल सीट, ईमेल, इंटरनेट से संबंधित थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो इसमें आपका पूरा कार्य रहने ही वाला है। सो गाइस इसके लिए इन्होंने ये मेंशन भी कर रखा है। तो गाइस आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा प्रोफाइल बता दिया गाइस। अब आप सोच रहे हो कि इसमें आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है गाइस। पहली बात तो आपकी यदि आईडी में ऐप, मतलब पूरा यहाँ पे अनुभव सेट है या वहाँ पर फीड किया हुआ है गाइस आपके पास है तो आईडी पे ही शो हो जाएगी, तो डायरेक्ट आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यदि गाइस नहीं है तो आईडी से लॉग आउट होकर जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ गाइस उसके अनुसार भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस आपको एक न्यू टैब ओपन कर लेना है गाइस, आप अपनी कोई सर्च इंजन ओपन कर लेना, मैं यहाँ से न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैंने न्यू टैब ओपन किया गाइस आपको यहाँ पर लिख देना यूपी सेवा आयोजन पोर्टल गाइस, ऐसा ही इसी प्रकार से लिखना गाइस, थोड़ा वेट रहेगी ये वेबसाइट थोड़ा अपने आप ही ओपन हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहले जो वेबसाइट आपको दिख रही है रोजगार, यहाँ पे दिख रहा है रोजगार संगम, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रोजगार संगम पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गाइस क्लिक करते हैं फिर से थोड़ी वेबसाइट लोड लेती है, कभी कभी इंटरनेट स्लो होने के कारण भी लोड लेती है गाइस, कभी कभी इस वेबसाइट पे लोड भी रहता है इसलिए भी कभी लोड ले लेती है। तो थोड़ा वेट कीजिएगा गाइस, टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें थोड़ा वेट करना है, तो वेट करते थोड़ा रहिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन होके आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ऐड आ जाता है, तो उस ऐड को कट करेंगे, थोड़ी देर में ही ऐड शो होने लगेगा गाइस, अभी नहीं दिख रहा है तो इस ऐड को भी कट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ऐड आ गया है, तो यहाँ पे कट वाले बटन पे क्लिक करके इस ऐड को कट कर लेना होगा गाइस। थोड़े नीचे चला जाना है आपको, यहाँ पे गाइस यहाँ पे दिख रहा है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब गाइस, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो फिर से एक नया पेज ओपन होके आएगा, वेबसाइट लोड होके आ चुकी, मतलब नया पेज इस वेबसाइट का आ चुका है। तो गाइस थोड़ा स्क्रॉल करना, अभी वेबसाइट वो मतलब गाइस वैकेंसीज होनी हो रही ऑटोमेटिक हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो गाइस सबसे लास्ट में आ जाना है, वो आपको मैंने हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ पेज वाला सिस्टम, इसमें भी पेज वाला, यहाँ पे मैं पेज वाले सिस्टम से ही आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पे अंतिम पेज पे आ जाना है, तो आप अंतिम पेज पे जाइए। अंतिम पेज पे जाने के बाद जो वैकेंसी मैं आपको पहले बताई वही वैकेंसी मैं आपके लिए आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो गाइस आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने ला, ऊपर थोड़ा इस थोड़ा स्क्रॉल करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना गाइस, देखते हैं वैकेंसी में आप है। अब देख सकते हैं वैकेंसी है, लास्ट वाली वैकेंसी है गाइस, तभी इस वैकेंसी का 73 नंबर शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये नंबर चेंज हो सकता है, मैंने आपको बताया डाटा एंट्री ऑपरेटर विभाग बताया अभियोजन जनपद सभी में है गाइस, आल जनपद मतलब आल जिलों में है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे आवेदन का इसके रिक्ति के वितरण के बगल में यहाँ पे आवेदन का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन गाइस अभी इस वैकेंसी को आवेदन शुरू होने में अभी 3 घंटे 48 मिनट बाकी है गाइस। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जब तक ये वीडियो देखें क्या पता कितने आवेदन हो जाएँ। तो गाइस आप यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ के जरिए नहीं होगा गाइस, यहाँ पे सबसे जिसकी जैसी योग्यता होगी उसी के अनुसार यहाँ पे फॉर्म अप्लाई, मतलब फॉर्म में यहाँ पे मतलब जॉब आपको मिलेगी। तो गाइस आपको मैं रिक्ति का वितरण बता देता हूँ, तो आप यहाँ पे रिक्ति का वितरण देख सकते हैं, यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं जो चीज़ मैंने आपके लिए बताई वही चीज़ पूरा सारा का सारा वही चीज़ आया गया है। तो गाइस आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि मैंने आपको कोई गलत तो नहीं बताया गाइस, यहाँ पे 3 घंटे 47 मिनट अभी आवेदन के मतलब 3 घंटे 47 मिनट के बाद ही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे पूरा सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। यदि गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को